कालों के काल कहे जाने वाले महाकाल पर यह कैसा बवाल है। अभी तक आपने रेल में यात्रियों की सीट को लेकर बवाल देखा होगा, लेकिन यहां तो भगवान की सीट पर भी सियासी बवाल शुरू हो गया है। महाकाल एक्सप्रेस में एक सीट महाकाल के नाम पर रिजर्व करने की बात सामने आई, उस पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े कर दिए। वहीं अब IRCTC ने इस मसले पर अपनी सफाई पेश की है। महाकाल एक्सप्रेस की शुरुआत में ही विवाद खड़ा हो गया। एक्सप्रेस की एक सीट में शिव मंदिर को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया, तो इधर IRCTC ने ट्वीट कर सफाई दी। ट्रेन के कॉमर्शियल रन में इस उद्देश्य के लिए कोई ऐसा आरक्षित या समर्पित बर्थ नहीं होगा जो 20 फरवरी 2020 से शुरू हो रहा है। नई काशी महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन के कर्मचारियों ने अस्थायी रूप से श्री महाकाल की तस्वीरों को पूजा करने और नए प्रोजेक्ट की सफलता के लिए आशीर्वाद लेने के लिए एक ऊपरी बर्थ पर रखा है। यह केवल एक समय के चक्कर के रूप में उद्घाटन रन के लिए है। यह सफाई है IRCTC की। दरअसल काशी महाकाल एक्सप्रेस में भगवान शिव के लिए रिजर्व सीट को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने PMO को ट्वीट कर ट्रेन में सीट पर शिव मंदिर बनाए जाने को लेकर सवाल खड़ा किया। ओवैसी ने संविधान की एक कॉपी को भी अटैच किया। इस ट्वीट के साथ ओवैसी ने संविधान की प्रस्तावना को शेयर भी कर दिया। संविधान की प्रस्तावना में सभी धर्मों के लोगों के साथ एक समान व्यवहार करने के बारे में लिखा गया है। वहीं इस विवाद पर सियासी सवाल जवाब भी हो रहे हैं। महाकाल एक्सप्रेस पर ओवैसी के बयान पर BJP ने क्या कहा वो सुनिए। पूरी दुनिया में मान सम्मान गौरव बढ़ा है और श्रीमान ओवैसी जी को तंज कसने की बजाय अपना आत्मचिंतन और मंथन करने के उनको करना चाहिए। भारत अपनी परंपराओं को लेकर के, अपनी संस्कृति को लेकर आज पूरी दुनिया में सम्मानित हो रहा और जाना जा रहा। महाकाल एक्सप्रेस को लेकर हो रहे विवाद पर कांग्रेस का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। हमें रेलवे में बुनियादी सुविधाओं पर बात करनी चाहिए, धर्म जात वर्ग से ऊपर उठ करके। तो इसलिए ओवैसी साहब को इस पर सवाल खड़ा करने के बजाय कि क्या लगा है, इस पर सवाल खड़ा करना चाहिए कि किस प्रकार केंद्र सरकार धीरे धीरे रेलवे को निजी हाथों में देने जा रही है, 150 ट्रेनें प्राइवेट सेक्टर को चलाने के लिए देने जा रही है, इस पर सवाल खड़ा करें तो अच्छा होगा। बहरहाल महाकाल एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। सोमवार को ये इंदौर पहुंची। उत्तर प्रदेश के काशी और मध्य प्रदेश के उज्जैन, ओंकारेश्वर, ज्योतिर्लिंग तीर्थ स्थलों को जोड़ने के लिए IRCTC की निजी ट्रेन है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।